फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर आज हम सीखने वाले हैं फ्लेक्स साइजिंग। फ्लेक्स साइजिंग कहने का क्या मतलब होता है, इसको सबसे पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स साइजिंग के अंदर। सबसे पहले जो फ्लेक्स साइजिंग होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भी हमारे कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको ग्रो कराना और उसको श्रिंक कराने का। ग्रो का मतलब क्या होता है, जो भी उसकी साइज होती है उससे इंक्रीज कर देना यानी साइज को बढ़ा देना। श्रिंक कराने का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे इंडिविजुअल आइटम्स की साइज होती है उसको क्या कर देना, कम कर देना यानी सिकोड़ देना। अब ये किस प्रकार से ग्रो होगी, किस प्रकार से श्रिंक होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, जो हमारा कंटेनर होता है कंटेनर के अंदर कितनी स्पेस अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं हमारे कंटेनर के अंदर टोटल 3D यहाँ पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये टोटल 3D है, लेकिन इसके बाद भी हमारे कंटेनर के अंदर क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस क्या हो जाती है, यहाँ पर बच जाती है। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक्स्ट्रा स्पेस क्या हो गई है, यहाँ पर बच गई है। इस कंडीशन पे हम क्या करा सकते हैं, हम अपने एलिमेंट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। यानी इन तीनों ड्यू को हम अपने पूरे कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। इसकी साइज को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर टोटली यहाँ पर मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से टोटली 3D क्या किए गए हैं, पास किए गए हैं। उसके बाद कंटेनर के अंदर अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचती है यानी स्पेस कम हो जाती है अगर हमारे कंटेनर के अंदर, तो उस कंडीशन पे हम क्या करा सकते हैं, अपने हर एक इंडिविजुअल आइटम को हम क्या कर सकते हैं, श्रिंक करा सकते हैं। यानी उसकी साइज को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, टोटली 5 एलिमेंट यहाँ पर पास करना है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपने कंटेनर के अंदर हम क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे 5 एलिमेंट्स क्या हो जाए, यहाँ पर फिट इन हो जाए। तो जो फ्लेक्स साइजिंग होती है ये किस पर वर्क करती है, अगर हमारे कंटेनर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, अपने हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स की साइज को हम बढ़ा सकते हैं यानी कि उसको हम फैला सकते हैं पूरे कंटेनर के अंदर, ताकि वो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बच रही है उसको क्या कर ले, ऑक्युपाई कर ले। अगर मान लीजिए बाय चांस क्या होता है कि हमारे कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचती है बल्कि स्पेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है आइटम्स के लिए, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, अपने सभी आइटम्स को हम थोड़ा थोड़ा क्या करा सकते हैं, श्रिंक करा सकते हैं यानी उसको सिकोड़ सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे आइटम्स क्या हो जाए, अच्छे से फिट इन हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, और ये जो ग्रो एंड श्रिंक करने की प्रॉपर्टी होती है किस प्रकार से वर्क करती है, इसको हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि फ्लेक्स साइजिंग के अंदर आता है। इट सेट्स द इनिशियल मेन साइज ऑफ अ फ्लेक्स आइटम्स, यानी कि ये क्या काम करता है, जो इनिशियल साइज होती है, मेन साइज होती है फ्लेक्स आइटम्स की, उसको सेट करने के लिए हम फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फ्लेक्स साइजिंग के अंदर। अब ये किस प्रकार से वर्क करती है, मान लेते हैं हमने किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी सेट की जाएगी ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए सेट की जाती है, जिसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टी कुछ पढ़ रखी थी वो किस पर वर्क करती थी, कंटेनर के लिए वर्क की जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के लिए सेट करने वाले हैं। मान लेते हमने यहाँ से फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल सेट कर दिया, अगर हमारा डायरेक्शन जो है फ्लेक्स डायरेक्शन वो रो है, तो उस कंडीशन पे ये किस पर वर्क करेगी, यानी किस पर अप्लाई होगी, जो फ्लेक्स बेसिस होगी ये सिर्फ किस पर इम्प्लीमेंट होगी, विड्थ पर इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि जो मेन एक्सेस होता है उसी के अलोंग क्या होती है, वर्क करती है। मेन एक्सेस इस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट यानी कि विड्थ वाली डायरेक्शन होती है यहाँ पर, यानी कि हॉरिजेंटल होता है, तो इस कंडीशन पे ये विड्थ पर इम्प्लीमेंट होगी, यानी जो साइज इंक्रीज होगी। मान लेते हैं जो हमारे आइटम्स हैं वो रो डायरेक्शन में प्लेस हुए हैं, और इस कंडीशन पे हम यहाँ पर इस सेकंड वाले ड्यू को जो विड्थ देने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस जो सेट करने वाले हैं 100 पिक्सल सेट करने वाले हैं, तो उस कंडीशन पर इस आइटम की जो साइज होगी वो किस पर इम्प्लीमेंट होगी, जो भी इसकी विड्थ होगी उस पर क्या होगी, वर्क करेगी। अगर यहीं पर हमारी डायरेक्शन क्या होती, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर डायरेक्शन क्या होती, कॉलम होती, तो कॉलम की डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, मेन एक्सेस होता है, यानी एक प्रकार से वर्टिकली होता है, तो इस कंडीशन पे ये प्रॉपर्टी किस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, हाइट पर वर्क करेगी। यानी हमारे आइटम्स कुछ इस प्रकार से प्लेस होंगे,
तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएंगे, हमारी जो हाइट होगी मान लेते हैं सेकेंड ड्यू के ऊपर, तो इसकी हाइट पर क्या हो जाएगी 100 पिक्सल साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्लेक्स बेसिस होता है ये इनिशियल मेन साइज को सेट करता है हर एक इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स के लिए। अब यहाँ पर हम करके देखने वाले हैं सबसे पहले, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी के लिए हमारे सारे इंडिविजुअल ड्यू रो डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पर सारे के सारे प्लेस हैं। अब इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर अभी के लिए हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। इस कंडीशन पे जो हमारी फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी होगी, विड्थ होगी हमारे आइटम्स की, उस पर वर्क करेगी, क्योंकि जो हमारा मेन एक्सेस है उसी के अलोंग जो होती है हमारी फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी वो वर्क करती है। तो यहाँ पर अभी के लिए जो हमारा ब्लू वाला यहाँ पर ड्यू है इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करेंगे। अभी के लिए अगर इसकी हाइट एंड विड्थ को देखते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल्स के अराउंड है एंड जो हाइट है वो 100 पिक्सल्स के अराउंड है। अब यहाँ पर जो इसकी विड्थ है उसको हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पर हम यहाँ पर क्या सेट कर देंगे, यहाँ पर ब्लू वाले ड्यू के लिए मैंने यहाँ से क्या सेट कर दिया, फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ से लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया और इसको मैंने सेट कर दिया 100 पिक्सल्स के अराउंड और इसको मैंने सेव किया क्योंकि मेरी डायरेक्शन जो है वो रो है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी होगी ये हाइट पर, यहाँ पर सॉरी विड्थ पर इम्प्लीमेंट होगी। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला यहाँ पर ड्यू है इसकी जो विड्थ होगी वो 300 से सिर्फ 100 पिक्सल्स ही क्या होगी, बचेगी। और इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिविजुअल आइटम्स को, तो यहाँ पर जो ब्लू वाला यहाँ पर ड्यू है इसकी जो हाइट एंड विड्थ हो गई वो 100 पिक्सल्स के अराउंड हो चुकी है। यहाँ पर इसकी विड्थ क्या हो गई है, 100 पिक्सल्स के अराउंड हो गई है। और कम अगर मुझे करना है तो यहाँ से हम इसको क्या रख सकते हैं, और कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 50 पिक्सल्स के अराउंड कर दिया और इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से इसकी जो साइज है वो क्या हो चुकी है, 50 पिक्सल्स के इक्वल हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी के लिए ये 50 पिक्सल्स के इक्वल नहीं हुई है, 55 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो इसका फॉन्ट साइज है, इसके जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसकी जो साइज है वो क्या नहीं हो रही है, 50 पिक्सल्स के अराउंड ये सेट नहीं हो रही है। अगर इसका जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं तो उस कंडीशन पे जो इसकी एक्चुअल साइज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहां से जैसे इसका जो फॉन्ट साइज है 1.5 m के इक्वल है, तो इसको मैंने मान लीजिए 1 m कर दिया यहां से और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहां से हम रिफ्रेश करने वाले हैं तो अब देख सकते हैं आप टोटल 50 पिक्सल्स के अराउंड इसको विड्थ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है, जो हमारा ब्लू वाला यहाँ पर ड्यू था। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो हमारा रेड वाला यहाँ पर ड्यू है इसकी यहाँ पर इसकी विड्थ को क्या करना है, मुझे इंक्रीज करना है यानी और बढ़ाना है, तो उस कंडीशन पे हम इसके लिए सेट करने वाले हैं जो हमारा रेड वाला यहाँ पर ड्यू है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से फ्लेक्स बेसिस यहाँ पर क्या सेट कर दिया, यहाँ से फ्लेक्स बेसिस मैंने मान लीजिए इसको 300 से मैंने 400 पिक्सल्स कर दिया, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो विड्थ थी वो 300 के इक्वल थी लेकिन मुझे इसकी साइज थोड़ा बड़ी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा रेड वाला ड्यू था इसकी जो साइज है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, जो कि विड्थ के अराउंड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, यानी इसकी विड्थ अब क्या हो चुकी है, 400 के अराउंड हो चुकी है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, जो फ्लेक्स बेसिस सेट करना है यहाँ पर, वो क्या करना चाहते हैं, जो भी हमारे आइटम्स है इसकी हाइट को हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन है इसको रो डायरेक्शन की जगह हम इसको क्या सेट कर देने वाले हैं, यहाँ से कॉलम डायरेक्शन सेट कर देने वाले हैं और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पे अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी के लिए क्या था, जो हमारा ये रेड वाला ड्यू था उसकी जो विड्थ थी वो क्या थी, 400 के अराउंड थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो उसकी विड्थ है वो क्या हो गई है, 300 के अराउंड हो गई है एंड जो हाइट है, अब जो हमारी फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी है वो किस पर वर्क कर रही है, हाइट पर वर्क कर रही है। और जो हमारा आइटम्स था इसको कितने पिक्सल्स की हाइट मिल चुकी है, 400 पिक्सल्स के अराउंड हाइट मिल चुकी है। और यहाँ पर जो हमारा ड्यू था अब इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल्स के इक्वल ही है लेकिन जो इसकी हाइट है वो 50 पिक्सल्स के इक्वल हो गई है, यानी जस्ट अपोजिट हो गया है। पहले विड्थ पर वर्क करता था जब रो डायरेक्शन था, अब जब कॉलम डायरेक्शन हो गया उस कंडीशन पे ये हाइट पर इंप्लीमेंट हो रही है, क्योंकि जो हमारा मेन एक्सेस है वो क्या है, कॉलम डायरेक्शन है, टॉप टू बॉटम है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लेते हैं मुझे क्या करना है, जो हमारा रेड वाला यहाँ पर ड्यू है
इसकी जो यहाँ पर हाइट पर इम्प्लीमेंट हो रही है, इसकी हाइट को हम कम करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे मान लीजिए मैंने 200 पिक्सल्स के इक्वल कर दिया और सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी विड्थ में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो इसकी हाइट है वो 200 पिक्सल्स के अराउंड हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी होती है ये वर्क करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने आइटम्स को ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको श्रिंक कर सकते हैं। ये तो था कि सिर्फ इनिशियल मेन साइज को हम किस प्रकार से अपने फ्लेक्स आइटम्स के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।